हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपके लिए आम से बनने वाली बिल्कुल नए तरीके की और बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम आम पापड़ रोल बोलते हैं। और ये जो मिठाई है, ये आपको मार्केट में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। बिल्कुल नए तरीके की मिठाई है, बनाने में जो बहुत ही आसान है। तो आप भी अपने घर पर बिल्कुल हेल्दी और अपने घर पर नए तरीके की मिठाई को बना के इंजॉय करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आम पापड़ रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आम ले लिए हैं, और मैं जिस आम का इस्तेमाल कर रही हूँ ये सफ़ेद आम है। इसमें गुठली छोटी और पल्प काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे पहले हमें अपने आम को छील के तैयार कर लेना होगा, क्योंकि हमें इसके पल्प को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम आम को पहले छील लेंगे, और एकदम पतला पतला ही हमें इसका छिलका निकालना है, ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पे जिस आम का मैंने इस्तेमाल किया है, आप इसी तरीके के ही आम का इस्तेमाल करें जिसमें पल्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो उससे हमारे जो आम पापड़ हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों आम को छील के तैयार कर लिया है। अब हम अपने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, क्योंकि हमें इसके पल्प को पीस के तैयार करना होगा। तो दोनों आम जो हैं उनके मैं छोटे छोटे टुकड़े काट के उन्हें तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारे आम काट के मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब मैंने पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आम जो है इसे मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो आम को पीसते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आम के छोटे छोटे चंक्स भी हमारे पेस्ट में नहीं रहने चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आम के पेस्ट को एक बार स्टेन करके और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आम के चंक्स अगर रहेंगे तो पापड़ अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो हमने जो आम को पीस के तैयार किया है उसे हम खाली कढ़ाई में डाल देते हैं, और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो 500 ग्राम आम के संग मैं यहाँ पे 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इतनी चीनी पर्याप्त रहती है, बहुत ही बढ़िया आम पापड़ हमारे बन जाएंगे। तो अब हम लगातार चलाते हुए अपने आम को पका लेंगे। पकने में लगभग 10 मिनट का समय तो लग ही जाता है, और लगातार चलाते रहेंगे। आम को हमें एक भी सेकंड के लिए छोड़ना नहीं है। आम को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और इसका आप कलर भी देख सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है। तो चलिए पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। और उसके लिए हम एक प्लेट में थोड़ा सा आम का पेस्ट डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा पहले हम ठंडा कर लेते हैं। उसको हम एक तरफ रख देंगे, पर हम आम के पेस्ट को लगातार चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ी से छींटें आने लगती हैं बाहर की तरफ। तो लगभग 2 मिनट के बाद मैं इसको फिर से चेक कर लेती हूँ। तो हम प्लेट को एकदम सीधा कर लेंगे, और ये देखेंगे क्या ये नीचे की तरफ फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये नीचे की तरफ फैल रहा है, इसका मतलब ये सेट होने के लिए अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, और लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जितना ये गाढ़ा होने लगता है ना, उतने ही उसमें से काफ़ी तेज़ी से छींटे बाहर आने लगती हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप आम के पेस्ट को पकाते रहिएगा। और अब देखिए, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये और भी हल्का लाइट कलर का हो गया है, और हमारा पेस्ट अब देखने में काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। एकदम से ये नीचे नहीं गिर रहा है, आपने देखा कि ये धीरे धीरे से नीचे गिर रहा है। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को फिर से चेक कर लेते हैं। तो हम प्लेट में वही आम का पेस्ट थोड़ा सा डाल के, और इसको पहले थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, और प्लेट को हम एकदम सीधा कर देंगे, और देखेंगे कि हमारा आम का पेस्ट नीचे की तरफ बह रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ अब नहीं बह रहा है, तो ये सेट होने लगा है, काफ़ी गाढ़ा बन गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और हमारा जो आम का पेस्ट है अब ये एकदम रेडी है। अब हम इसको और नहीं पकाएंगे। तो पहले हम आम पापड़ बनाएंगे, उसके लिए मैंने स्टील की प्लेट ले ली है, और पीछे की तरफ जो है हम आम का पेस्ट इसमें फैलाएंगे। पर उससे पहले मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है, ताकि आम पापड़ को रिमूव करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और आम पापड़ के लिए हम पेस्ट को काफ़ी पतला पतला ही फैलाएंगे, जितना आप पतला फैला सकते हैं। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आम का जो पेस्ट है वो लगने से छूट नहीं पाए। वरना जब आप आम पापड़ को रिमूव करेंगे तो वो वहीं से ही टूट जाएगा। बस आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये देखिए, जितना भी आम
का पेस्ट बन के तैयार हुआ था उसे मैंने इस तरीके से दो प्लेट में फैला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसे रात भर के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे धूप में सुखा सकते हैं, वरना मैं इसको पंखे के नीचे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए सुखाऊंगी और उसमें ही ये तैयार हो जाएगा। तो आपको धूप में रखने की इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सुखा के तैयार कर लेती हूँ। 10 से 12 घंटे पंखे के नीचे सुखाने पर आम पापड़ बन के एकदम तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे हम प्लेट पर से कितने आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कि कितने आसानी से ये निकल रहा है। इसे निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, पर अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको हम एक तरफ रख देंगे। पहले हम अपने आम पापड़ रोल के लिए अंदर की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए खाली कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ मावा। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मावा को मैंने दूध से बनाया है। अगर आपके पास दूध नहीं है या दूध उपलब्ध नहीं है तो आप मावा को मिल्क पाउडर से भी बना के तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मिल्क पाउडर से भी मावा बना के इस रेसिपी को बना सकते हैं और इस मिठाई को आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो हम गर्मी का सीज़न चल रहा है, उसमें हम मिठाई बना रहे हैं वो भी मावा से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मावे को अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारी जो मिठाई है उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। और हम क्या करेंगे कि मावे को बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पे मैं लगभग 30 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 20 से 30 ग्राम के बीच आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी मिक्स करते हुए मावा को हम हल्का सा लाइट कलर आ जाने तक 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब हमारा जो मावा है इसमें हल्का सा ब्राउन कलर भी आने लगा है, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो मावा एकदम तैयार है और अब मैं इसमें लगभग, यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम लिए थे, उन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैं इसे बादाम का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, पर बहुत ज़्यादा हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है। और मावा को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मावा को प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा मावा ठंडा होता है तब तक हम अपना आम पापड़ थाली पैसे रिमूव कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी किनारियों को हटा लेंगे और अगर कहीं पे ज़्यादा सा चिपक गया है तो आप बहुत ही ध्यान से हटाइएगा, क्योंकि आम पापड़ जो है वो टूटना नहीं चाहिए। और थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका आम पापड़ थाली पैसे रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आम पापड़ को थाली पे से हटा लिया है और बहुत ही आसानी से ये हट जाता है। अब हमें थाली पे इसको पलट के रखना है, जिस तरफ ये थाली पे था उसको हमें ऊपर की तरफ कर देना है और जो ऊपर की तरफ थी उसे हमें नीचे की तरफ कर देना है और हम इसको थाली पे फिर से सेट कर लेंगे। और अब हमें आम पापड़ की अपनी लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी होंगी। तो ये जो हम स्ट्रिप्स कट करेंगे इनकी लगभग 2 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। तो इतने जो आम पापड़ है ये इतना बड़ा, इसमें हमारी 5 स्ट्रिप्स कट हो जाएंगी। पर हम अपनी स्ट्रिप्स को छोटा नहीं करेंगे, इनकी लंबाई को छोटा नहीं करना है और इनकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखेंगे। तो स्ट्रिप्स कट हो चुकी हैं और यहाँ पे देखिए हमारा जो मावा है अब वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे से हम रोल्स बना लेंगे, लगभग 2 इंच लंबे ही रखेंगे। जितनी हमने स्ट्रिप्स कट की थी उसी हिसाब से हम अपने रोल को भी इस तरीके से चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोल बना लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक रोटी बेलने वाला पटा ले लिया है, उस पर हम अपने आम पापड़ की एक स्ट्रिप को रखेंगे और उसके बाद जो हमने मावा का रोल बनाया है उसे हम ऊपर की तरफ रख के थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से सेट कर देंगे। और अब हम अपने पापड़ को थोड़ा सा इस तरीके से रोल के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे से हल्के से प्रेस करते हुए हम रोल करते जाएंगे। और जो आम पापड़ है इसमें पीछे की तरफ चिपचिपाहट होती है तो जो रोल है वो अच्छे से बन जाता है और आम पापड़ आपस में चिपकता चला जाता है और ये मिठाई
बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। हल्का सा खट्टापन और हल्की सी मिठास होती है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हम आम पापड़ रोल पूरा तैयार कर लेंगे। और अगर मावा बाहर निकल जाता है तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया आम पापड़ रोल मिठाई बनके हमारी ये तैयार हो गई है। यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे आम पापड़ रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आम पापड़ रोल बनके एकदम तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया हमारे आम पापड़ रोल बन चुके हैं। पर अभी हमारे जो आम पापड़ रोल हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ के बने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रोल में से दो पीस कट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये रोल बीच में से कट हो जाएंगे, आपको काटने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक रोल में से दो पीस कट कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे रोल कट हो गए हैं। तो जितने भी रोल हैं उनको मैं दो पीस में कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आम पापड़ रोल बनके एकदम तैयार हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में हम अपने आम पापड़ रोल के ऊपर रेड कलर की टूटी फ्रूटी लगा देंगे जिससे ये देखने में भी और भी बढ़िया लगने लगेगी। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर आपको आम से बनने वाली नई नई तरीके की रेसिपी मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इस मिठाई को आप फ्रिज में रख के लगभग 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको ये मिठाई। तो इस मिठाई को आप ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूले। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।